नमस्ते डियर ऑल। काफ़ी दिनों से मुझे स्कूटी के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि शॉर्ट हाइट पर। हाँ, तो शॉर्ट हाइट पता नहीं लोग इतना डरते क्यों हैं शॉर्ट हाइट। एक्चुअली शॉर्ट हाइट कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब मेरे स्कूटी का ये देख रहे हो आप ऐसा कुछ, लेकिन वास्तव में हाइट के साथ व्हीकल्स का कोई खास कुछ रिलेशंस है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद कंपनी शॉर्ट हाइट के लिए अलग सा कोई मॉडल बना ही लेते करते हैं। जो मेरी हाइट 5'2" है, वेरी सिंपल कैजुअल, बहुत ही सच्ची बात है, मेरी 5'2" हाइट है। तो जब मैं बाइक चलाना सीख रही थी तो मैं भी ये सोच रही थी कि शायद बाइक मैं चला नहीं पाऊँगी, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि मेरी बाइक की काफ़ी सारा वीडियोज़ है, तो मैं सोच रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। तो आज मैं मेरी स्कूटी का एक मतलब शॉर्ट हाइट का कुछ ट्रिक दिखाना चाहूँगी। ये मेरी हाइट 5'2" के साथ मैचेबल है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ये एक्टिवा का 6G मॉडल है, तो ये अभी डबल स्टैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्टैंड में अगर है तो इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। डबल स्टैंड में होता है तो हाइट इंक्रीज होता है। देखिए स्कूटी ज़मीन से ऊपर है, इसके मतलब थोड़ा सा इसका हाइट इंक्रीज हो गया है, लेकिन इससे क्या तकलीफ होगी या नहीं होगी। मैं 5'2" के हाइट के साथ एक वीडियो बना रही हूँ। आज मैं विदाउट स्लीपर दिखाऊंगी, क्योंकि एक्चुअल हाइट देखिए, अगर आप मतलब शूज़ पहनते हो उनका कितनी भी हाइट इंक्रीज़ करे, 2 इंच 2.5, इससे ज़्यादा तो व्हीकल्स में आप राइड करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और इसमें एक प्रॉब्लम है डियर ऑल कि यहाँ पे जो फुट रेस्ट है ना, ये फुट रेस्ट जो है ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा बैक के साइड होता है और इसलिए आपको यहाँ पे मतलब दो तरह के फुट रेस्ट, एक पैर आपको पीछे देने हैं, एक पैर आपको आगे देने हैं, इसमें थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम है। एनीवेज ये जो बैक पिलियन में होगा उनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसे इधर एक फिट देता है, इधर एक फिट देना पड़ता है, ठीक है। विदाउट शूज़ मैं यहाँ पे आ रही हूँ ताकि आप मेरे सही हाइट के साथ देखिए यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। मैं ये डबल स्टैंड में ही स्कूटी में बैठूँगी, डबल स्टैंड में, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक पैर लिया, अभी मैं दोनों पैर करके दिखा रही हूँ। एक पैर ऐसे उठा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं फिट को टच कर रही हूँ। ये ज़मीन है, ज़मीन ये सबसे पहले राइट को आप ब्रेक में दबाते हुए, ब्रेक में हाथ रखते हुए कीजिए। राइट फीट को पहले राइट फीट को इसे उठाना गिराना, ठीक है। डबल स्टैंड में बोथ फीट, मेरे बोथ फीट, ठीक है। तो मैं ये दिखा रही थी कि डबल स्टैंड में अगर मेरे बोथ फीट मतलब उठाना या गिराना में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है 5'2" में, तो मैं बहुत इजी वे से कर रही थी। तो अगर आपका 5 है या करीब 5 है, इससे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार ड्राइविंग या टू व्हीलर में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, 4-व्हीलर में आपको बॉडी को बैलेंस नहीं करना पड़ता, वहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बाइक या स्कूटी में आपको स्किल के साथ साथ आपको बॉडी का मैनूवर करना होता है, स्कूटी या बाइक के साथ जो भी आप चलाओगे उसके साथ मैनूवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैनूवर करने के लिए जो चाहिए होती है वो है हिम्मत और कुछ नहीं। और हाइट के लिए मैं एक ट्रिक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। हमने स्कूटी में पावर दे दिया, ठीक है, पावर ऑन कर दिए,
अभी मैं इसका एक कीकिंग करूँगी। यहाँ पे कीकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसका ध्यान रखनी चाहिए, जो पहले भी मैं बता रही थी, ये जो है इसके साथ इसका जो है गैप बहुत ही कम है, और जब आप कीक करोगे तो आपको यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। तो जब बैटरी पुराने हो जाए तो शायद तकलीफ़ देगी, तो आपको स्टार्ट हो गई है। अगर आप रीड नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। रीड नहीं करोगे तो बंद हो जाएगी। स्टार्ट करने के बाद अगर आप इसे नहीं चला रहे हो या रीड नहीं कर रहे हो, ड्रेस नहीं दे रहे हो, तो आपको ये बंद पड़ जाएगी। देख रहे हैं आप, इसलिए डियर ऑल, जो स्कूटी लर्नर है, स्टार्ट करने के बाद आपको रीड करनी चाहिए या रेस देनी चाहिए। अगर आप रीड दोगे तो आपको ये होगी। अब न्यू स्कूटर पे या बाइक पे या कार पे कभी रीड मत कीजिए, ख़राब हो जाएगा। तो स्कूटी या बाइक या कार में कभी ज़बरदस्ती बिना वजह अगर आप रीड करते हो तो आपका जो व्हीकल्स है, योर व्हीकल्स लाइफ स्पैन विल डिक्रीज। जो लोग लर्नर हैं वो स्टैंड, डबल स्टैंड से साइड स्टैंड या स्टैंड गिराएंगे कैसे, उठाएंगे कैसे, ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं, ये भी दिखा रही हूँ। देखिए ये भी डबल स्टैंड पर मैंने दिखाया। अब देखिए मैं इसे किस तरह से रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। इससे मैं देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंड क्या हुआ है, पहले सीट के पीछे थोड़ा सा हाथ लगा लें, ठीक है, और सामने ब्रेक में, लेफ्ट साइड के ब्रेक में हाथ ज़रूर लगा लें। उसके बाद ये जो है साइड स्टैंड धीरे से, कभी हड़बड़ी नहीं करना है। ये जो हमने किया, देखिए बहुत जल्दबाजी में हमने कुछ नहीं किया। जब भी स्टैंड मतलब जो लर्नर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि स्टैंड गिर गया है, मतलब लग गया है, स्टैंड लग गया है, लेकिन वास्तव में वो लगता नहीं है, वो हाथ पैर में चोट लग जाती है। तो लर्नर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ स्टैंड लग चुका है, यू हैव टू बी श्योर। तो जब आपको सही लगे कि हाँ ये सही जगह है, और जब रेनी सीजन में आप साइड स्टैंड करोगे या डबल स्टैंड करोगे तो आपको वहाँ पे एक सावधानी, एक कॉशन होनी चाहिए, क्योंकि विंटर सॉरी रेनी सीज़न में जो मिट्टी है ना, मिट्टी थोड़ा सा गीला हो जाता है एंड आपका जो स्कूटी का जो स्टैंड है वो दब जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे जब हो जाता है तो आपकी स्कूटी गिर सकती है आप पर, ठीक है। तो मुझे बहुत मॉस्किटो बाइट हो रही है इधर। तो देखिए अभी अभी जो है डबल स्टैंड से जो साइड हो गया है, अभी हाइट कम हो गई है, तो जिसके हाइट कम है, जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आप लोग, डरिए मत। देखिए मैं पहले भी दिखा रही थी कि आप वन साइड करके अपना ढलान दें, जैसे बाएं जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट फीट हम बाद में उठाते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हम लोग राइट को, ये राइट। मैं बैठ चुकी हूँ, खुद वीडियो कर रही हूँ, कोई है नहीं तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं इसे टॉप में दिखा रही हूँ, देखिए मेरी दोनों जो पैर है इस ज़मीन पे टिकी हुई है, दोनों पैर। और ऑलवेज आप लोग ना, ये अब लर्नर हो या ना हो, पुराने हो, कुछ भी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज़, ऑलवेज लेफ्ट यहाँ पे हाथ मतलब हटाइए मत, इसे बनाते रखिए। मैं आज बेयर फिट दिखा रही थी इसलिए क्योंकि हाइट, शॉर्ट हाइट मतलब पक्का मेरी जो हाइट है, हमने उसी से इसे मैनूवर करा। ओके, मैंने कोई हील चप्पल कुछ भी नहीं लिया, इसलिए हमने आज इस तरह से किया बेयर फिट में। लेकिन आप कभी प्रैक्टिस ना करें, मुझे बोलने का ये मतलब इरादा है कि आप कभी बेयर फिट में प्रैक्टिस ना करें, शूज़ पहन कर करें। सिर्फ शॉर्ट हाइट समझाने के लिए हमने आज ये किया। ओके, तो प्लीज़ बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड खुद पर भरोसा रखिए। टाटा।